वहां से कहां से जा रहा है बेवकूफ। फाइनली वी हैव रीच जिलापा। वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल डैट एंड फील कपल। तो आज है 6th डे। डेज के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली हमें आज लेह पहुंचना चाहिए था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि अमरनाथ यात्रा के वजह से हम लोगों को वहाँ आर्मी बेस कैंप में ही रुका लिया था, सीआरपीएफ वाली कैंप में। तो अभी बज रहा है 7:30। वो लोगों ने बाइकर्स को जाने दिया जो बाइकर्स बैठे थे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं श्रीनगर की ओर। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, अभी ठंडा ठंडा है। और हमारे साथ में और दो नए राइडर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बोलते ना, अगर आप ले जा रहे हैं तो आपको, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो आपका ग्रुप बन ही जाएगा कुछ भी करके। तो वैसे ही हमारे साथ में हुआ, दो राइडर्स जो हम लोग सेम रूट करने वाले थे, सेम रूट वो लोग भी कर रहे थे, तो डिसाइड किए कि हम साथ में कर लेते फिर। तो अभी जैसे रुकेंगे तो मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपसे। और ये देखिए, ये पूरा ट्रैफिक रोक के रखा है अमरनाथ यात्रा के वजह से। चलो, जैसे जैसे आगे जर्नी कंटिन्यू होती जाएगी आप लोग को बताते जाएंगे कैसा कैसा, क्या शेड्यूल क्या हो रहा है। अगर कल हम लोग को 1 घंटे का बफर टाइम मिल जाता ना तो हम लोग यार ये वैली क्रॉस कर दिए होते। अभी अनंतनाथ आएगा। अनंतनाथ इज़ कुछ अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। श्रीनगर इज 54 किलोमीटर्स। सो डैट एंड फील कपल फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। ये नहीं कैमरे में वो जो पहाड़ है वो दिख रहे हैं कि नहीं, बट सामने से ना वो पहाड़ की जो ब्यूटी है ना कुछ अलग ही है, मस्त लग रहा है एकदम। तो भाई लेह की बोर्डिंग आ गई। 440 किलोमीटर फ्रॉम हियर श्रीनगर इज 19 किलोमीटर। सीधा 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 भैया, सीधा चाचू, सीधा चलना है हमें। बाय द वे, वो जो ऑरेंज रेन कवर डाले हैं उनको चाचू बुलाते हैं, तो उसके लिए उनको चाचू चाचू बोलते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगे मजाक उड़ा रहे हम। तो अभी हम कश्मीर के अंदर जो सिटी है उसमें चला रहे हैं, लाल चौक की ओर जा रहे हैं। तो देखने में तो अभी सब नॉर्मल ही लग रहा है, बट पता नहीं इधर कभी भी कैसे भी कुछ भी क्या क्या हो जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मल रहे बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ हुआ ना करे। इधर अच्छी जगह है। तो यहाँ के जो पुराने टाइप के घर है ना वो बहुत क्यूट लग रहे हैं हम लोग को देख के। हम लोग बेचारे लोग गरीब लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, बट वैली के हिसाब से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना, यहाँ पे गर्म ज़्यादा हो रहा है। उधर जो वैली में हम लोग चला रहे थे भाई, वहाँ पर तो एकदम भाई मस्त मक्खन मज़ा आ रहा था, अगर यहाँ पर गर्म हो रहा है। और ये पुराने बसेस JNKK आज भी चलते हैं यहाँ पर। इन लोगों PUC नहीं लगता क्या? तो ये जो एरिया से जा रहे हैं काफ़ी क्राउडेड है यार, और सब पुराने पुराने घर है इधर। अब यहाँ क्या बोलते हैं इनको, मकान बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं, बट काफ़ी क्राउडेड है। हमारे शशांक भैया डाइट पे, तो हम यहीं से सलाद के लिए सब्जी वब्जी ले रहे हैं। मैंने एक गाजर खाया। ये इंसान, अभी मैं इतना घूमू, अभी मैं नहीं घूमू। ये रहा वो गाजर, सब्जी काफी सस्ती है। तो ये है बेलीज ब्रिज, ये हमारा फर्स्ट ब्रिज है प्रॉपर ऐसा वाला, लोखंड वाला ब्रिज ना, पहला लोखंड वाला ब्रिज आ गया हम लोग, मेड बाय इंडियन आर्मी।
ऐसा सब काम इंडियन आर्मी ही कर सकती है भाई, और कोई नहीं बना सकता। ये ब्रिज पे एक टाइम पे एक ही साइड का व्हीकल जा सकता है। चलो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बालथल, उसके बाद आएगा सोनमर्ग, जोजिला, फिर आएगा कारगिल, द्रास आएगा, फिर द्रास के बाद कारगिल। हाय 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 हाय, आज ट्राई करेंगे जितना हो सके कारगिल पहुंचने के लिए। कंगन कंगन करके कोई जगह है, उसकी मार्केट लगी हम लोग का। अब मैं प्रोनाउंस बराबर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? के ए एन जी एन, ओके कंगन। पीछे इंग्लिश टीचर का आया नाम बराबर से, इंग्लिश टीचर ने बोला कंगन नाम बराबर है। जोजिला का कुछ 70 किलोमीटर है यहाँ से, तो होप लेट्स सी जोजिला हमारा कैसा स्वागत करता है। जोजिला का नाम सुना है कि उधर का क्लाइमेट फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल होता है, सो लेट्स सी जोजिला क्या जोजिला करता है हम लोग के साथ में। कॉफी ब्रेक लिया है, टाइम क्या हुआ है 9:55। ये शशांक भैया है, ये चाचू है। चाचू अभी हम चार हो गए। हम ये कौन है? मैं आ रहा हूं देखते रहते हैं। तो अभी यहाँ से ले कितना है कुत्तो, बोल लो कितना? 409 किलोमीटर है यहाँ से ले। 409 किलोमीटर है शशांक भैया और चाचू, दोनों जन खारदुंगला पहले जा चुके हैं। चाचू तो साइकिल पे गए, बताओ कौन गया है साइकिल? मनाली साइड से। वो भी मनाली साइड से, जरा हमारी मनाली साइड से बाइक पे फट रही थी, चाचू साइकिल पे जाके आए। मतलब ऐसे ये इंस्पिरेशन है यार, मतलब है कर सकते हैं। हम भी ये एज में कर सकते हैं जाके कुछ ना कुछ। क्या देख रहे हो? कॉफी पीने दो। चाय पीते? चाय नहीं, कॉफी है। आज चाय नहीं, आज कॉफी पी रहे। कॉफी पी रहा हूँ। माय कर्व्स, सो बी स्लो ऑन माय कर्व्स। यहाँ पे जो बीआरओ के कोड्स है ना, बहुत मस्त मस्त लिखे हुए। अभी थोड़ी देर पहले एक आया था, इफ यू वॉन्ट टू स्टे मैरिड डाइवोर्स स्पीड। कश्मीर हेवन ऑन अर्थ। हाँ नहीं, इधर सब ट्रक्स आ रहे हैं राइट से, तो सिंगल ट्रैफिक छोड़ा ना अभी। ठीक है, अभी हमको बाइक थोड़ी लटका के रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारी डिक्की थोड़ी बाहर है ट्रैफिक से, अगर किसी ने भी एक फटका मारा तो हम गिर पड़ेंगे। नदी नदी नदी, आगे देखो आगे देखो, इधर कुछ देखने जाओ तो बैंड बज जाती है, सामने कुछ बलता ही आ जाता है। तभी तक यार जो आर्मी मूवमेंट हो रही है ना, सब जो 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 चीज लेके जा रहे हैं वो एकदम जॉ ड्रॉपिंग है। रुकने बोला। नहीं चलो, गाड़ी है। चल, अलग ही है माउंटेन्स भाई, जो स्ट्रक्चर है, जो हाइट है, इंडिया को प्रोटेक्ट करते भाई ये लोग हर तरीके से, बाय इन्वेडर्स, बाय क्लाइमेट, बाय सब। यार हम लोग रुक के ना फोटो नहीं ले सकते यार, क्योंकि पीछे आर्मी का मूवमेंट चल रहा है, वो तो वो लोग रुकने नहीं देते। इतना टेम्पटिंग है ना ये कि फोटो क्लिक कर ले हम लोग। हाँ, और हम लोग ने बहुत ही मुश्किल से, मतलब पूरी बटालियन को पीछे करके आगे आए, तो अगर हम लोग रुक गए तो हमको ज़रूर से 2-3 फटके पड़ ही जाएंगे कि सर आगे तुम लोग निकल गए तो रुके क्यों। और फिर से उसको वो चीज़ को ओवरटेक करना, मतलब वो अच्छी बात नहीं है भाई, फिर वो लोग भी थोड़ा डाउट करेंगे, तो वो हमको मांगता नहीं है।
सो ले इज 354 किलोमीटर्स, कारगिल 128, द्रास 71, सोनमर्ग इज 9 किलोमीटर्स। तो देखते हैं द्रास में रुकेंगे या सोनमर्ग में। पानी का क्या फ्लो है यार, पता नहीं कैमरे में कैसा दिखता होगा बट माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। मतलब एक हिसाब से डर भी लग रहा है और उसको देखने का भी मन कर रहा है। ट्रक आ रहा है लेफ्ट से यार, कहां कहां से पानी आ रहा है यार, कहां कहां से। वाह, ऊपर एक कोने में लेफ्ट साइड में एक वाटरफॉल गिर रहा है भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट ब्यूटी है भाई, भाई संभाल के भाई। देखते देखते ना तो हैंडल कहीं दूसरी जगह जाएगा। मोटे है कहाँ है? वाह कहा भैया, कहाँ से लुढ़क के आए हो नीचे, हैं यही मिला आने को नीचे। भाई वो शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं मैं, बहुत बहुत क्लास दिख रहा है एकदम। तो सोनमर्ग क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, फाइनली सोनमर्ग क्रॉस्ड। अब देखते हैं आगे कौन सा पास आएगा, शायद से अभी जोजिला आएगा या कौन सा आएगा, नहीं याद नहीं आ रहा है। जो भी पास आएगा बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो नाम उतने फ्रीक्वेंटली याद नहीं है, पढ़े हैं देखे हैं बट ये क्या ये सामने जो ब्यूटी आ रही है ना वो देख के हम लोग सब भूल जा रहे हैं कि क्या किधर क्या है। हमें स्नो कैप माउंटेन्स दिख चुके हैं एंड इनकी ब्यूटी का तो कोई ये पागल है क्या, ये ऐसा हार्ट अटैक देता है बीच बीच में। ये आप आ गया हो मेरे, चलो आप आ गया हो, आप डराते हो यार। तो देखिए सर भाई, आप लोग बताना ये आपको कैसा दिख रहा है वीडियो में, हमारे पास तो वर्ड्स ही ख़त्म है भाई। मतलब लगता है हमारी हिंदी डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं जोजिला की तरफ, मिलते हैं आपको। तो यहाँ से नीचे पता नहीं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं बट अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री है उनको वहाँ पे नीचे रुकाया गया है। तो मैं ज़्यादा उस साइड तो नहीं देख सकता क्योंकि ट्विस्टीज है जो कभी शायद दिख जाए। नीचे वो वैली में वहाँ पर अमरनाथ यात्री नीचे रुकाए हुए हैं। तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है चलेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं हम लोग, बिना कोई रिस्क उठाए, पिन टर्न्स है, गियर डाउन पूरा, गियर डाउन फर्स्ट गियर, लॉन्ग टर्न टेक अ लॉन्ग टर्न, बस चल जा, वेरी गुड। भाई मजे आ गए, ये भाई राइट में मत रखो हम लोग को, अरे हाँ सॉरी, ये हम लोग को राइट में रखो प्लीज़ हम लोग को राइट में रखो, पट्टी हम लोग की थोड़ी, ठीक है कोई नहीं कर लेंगे आराम से, कोई नहीं। चलो भाइयों हम लोग थोड़ा रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्रॉस कर जाएंगे तो आगे की ब्लॉग बना लेंगे अच्छे से, हमको रिस्क लेके नहीं चलाना है गाड़ी। इधर मैं फ़ोटो लेगा कुछ भी हो जाए, कैसा लग रहा है मोटे? इतने हाइट पे गाड़ी चला के कैसा लग रहा है? चक्कर आ रहा है। लिटरली हम लोग ना फटी पड़ी है, मतलब आगे और इससे ऊंचे आएंगे पासेस,
बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहता है ना आपका हाइट का, वो आपको आगे तक पहुंचा देता है। तो ऊपर एक सेकंड बता दो, ऊपर वो जो ओम दिख रहा है वहाँ पर एक शिवलिंग है। और चाचू कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? एक नंबर शानदार जगह है, जबरदस्त रोड, लेकिन यदि मैं अकेला सामने रहता हूँ तो मेरी होती है। वही मेरे को उन्होंने बोला कि भाई आप आगे जाओ, यदि मैं अकेला सामने आ गया ना तो फिर मेरी गई। नहीं, नहीं, वही वो बोली आगे सा, जाओ थोड़ा सा वो खत्म हो जाता है। और शशांक भाई कैसा लग रहा है अपने को? जिंदगी जी रहे भाई, जिंदगी जी रहे ना, पेट्रोल खर्चा करके। बिल्कुल, ये व्यू के लिए ना अगर 200 रुपया पेट्रोल भी रहेगा ना तो भी पब्लिक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं मोदी जी सुन मत लेना, नहीं तो फिर कर देंगे इधर 200 रुपया। तो मैं वो अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा था, सारे प्ले जितने भी यात्री है सबको वहाँ नीचे टेंट में रुकाया गया है। चल मैं निकलता है इधर से, इधर से जहाँ से मैं जाऊँगा वहाँ से कहाँ से गिर, वहाँ से कहाँ से जा रहा है बेवकूफ़। रुको आने दो मेरे को, यहाँ से भी जा सकते थे। आने दो मेरे को, वहाँ कहाँ चढ़ा दिया ऊपर गाड़ी, पीछे जाने दो, रुको मैं आता हूँ। यहाँ पैर ही नहीं पहुँच रहा। हाँ ठीक है, रुको आने दो, आने दो पीछे, नहीं नहीं पकड़ा हूँ, चलो खींचना मत। खींच नहीं रहा हूँ मोटे, आने दे, नहीं गिरे मैंने पकड़ा है, नहीं गिरेगा, ठीक है, आराम से उतारना गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये जो पाथ है ना क्लियर है। क्यों तुम लोग सब मेरा तो प्रियंका का पहला वाटर क्रॉसिंग लाइफ का फर्स्ट गियर, ओके ये पूरा क्लियर है। ये साइड, ये साइड रुकना नहीं, गाड़ी रुकना नहीं, पैर नीचे मत रख, चल जाने दे जाने दे। ये चलो पहला बॉर्डर से ऊपर ही रुकना है, नीचे मत रुकना। तो रास्ते देख के ऐसा लग रहा है कि हम जोजिला के आसपास में है कहीं पर। तो भाई लाइफ का फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग किया, फटी तो थी बहुत बुरी तरह फटी थी, सुसुमी वो से आ रही थी मुझे, लेकिन हो गया। और अभी मुझे आपका कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वहाँ आगे ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जयंत जी कैप्टन बाबा, दिस मेमोरियल हैज बीन एस्टैब्लिश इन द मेमोरी ऑफ लेट कैप्टन वीरेंद्र इन 13 फील्ड कंपनी ऑफ 4 इंजीनियर इन दी 13 फील्ड कंपनी वॉज गिवन दी अ फील्ड टास्क टू कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेच ऑफ रोड। His jeep slipped down hill resulting in a loss of life. Since that day, Captain Mood, okay. ये जो मेमोरियल देखा आपने अभी, तो ये कैप्टन वीरेंद्र मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था तो उनकी जीप जो है ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे स्लिप हो गई थी नीचे, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो तब से ये नाम दिया गया है, एक जो मोड़ है उसको कैप्टन मोड़ करके ये जगह का नाम है। सो हार्ट ब्रेकिंग है, बट दे फाइट फॉर अस, दे डू एवरीथिंग फॉर अस, सो अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम एंड हिज फैमिली।
तो चलो फाइनली वी हैव रीच जॉर्जिला पास, 0 point अल्टीट्यूड 116.49 feet. ओके अच्छा मोटे जॉर्जिला कर लिया, जॉर्जिला कर लिया, जॉर्जिला कर लिया.